ठीक है, मैं प्रमाण देने से पहले मैं तुझे एक प्रश्न कहता हूँ, उस प्रश्न का उत्तर तूने अगर सही दिया तो तू मेरे से ज्ञानी है और मैं तुझे छोड़ देता हूँ। अब उसका उत्तर नहीं दे सकती तो तू इस मेरे से अटारी कर दे, इसका तू मेरी बात सुन। अब मौर्य तो रहे ही बोले क्या करें, इसको तो ज्ञान का तेरे परीक्षा होगी। मौर्य को कहा, मौर्य ने कहा ठीक है, मैं हार गई तुम वैशाली कर दूंगी और जीत गई तुम यहाँ से चले जाओ। घटोत्कच ने मौर्य के सामने कहा, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बोले सुना। एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, उसको एक वेश्या दिखी और उस वेश्या के साथ उसने देखने के बाद वेश्या से कहा, मैं तुम्हारे साथ आज रात गुजारना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो उस वेश्या की थी तो उसने कहा, उसमें क्या है, बराबर तुम रह सकते हो। वेश्या ने उसके साथ सवाल किया पैसे की और उस राजा के साथ उस वेश्या को एक संतान मिली। वो संतान ही वो तो उससे भी वेश्या से भी सुंदर लगने लगे। तो जब कुछ दिनों के बाद हर साल जाता जब उसकी बढ़ती हुई बेटी को देखा तो उसने कहा, हे वेश्या, तेरी जो पुत्री है वो भी बहुत सुंदर हो गई, मैं चाहता हूँ कि तेरी बेटी को मुझे दे। वेश्या तो भाई लड़ेगी लेकिन उसके बल को देखकर डर गई और कहा, अगर उसको मैं नहीं कहूंगी तो मार डालेगा। तो उसने उस वेश्या के पुत्री के साथ भी संबंध बनाया। संबंध बनाने के बाद दोनों भी उसके साथ रहने लगे। तो घटोत्कच ने कहा, मौर्य मेरा एक प्रश्न कि तू जो राजा था जो उसके वेश्या के साथ गया, उसने ये जो उसकी माँ वेश्या थी और पुत्री वेश्या थी, उसको उसके साथ क्या संबंध, तो क्या संबंध जोड़ती। उसने कहा, तो वो जो पहले थी वो उसकी पत्नी है और दूसरी उसकी पत्नी किस बात है, क्योंकि उसने संभोग करके पैसा तो संभोग को बेटी के साथ भी किया। तो वो भी पत्नी, माँ और बेटी दोनों पत्नी के रूप में साथ होती है। सही जवाब। मौर्य प्रश्न पड़ गई कि अगर इसको पुत्री को तो पता है पुत्री के उसकी पुत्री की है, पुत्री को पत्नी कैसे कह सकता है और उसको पत्नी कैसे कह सकता है। तो बहुत विचार करके बोली, मैं तो हार गई, तुम इसका प्रश्न कर दे, प्रश्न का उत्तर दे सकते हो क्या। घटोत्कच ने एक बार में खत्म कर दिया, कहा, शादी होने के बाद ही पत्नी कहलाती है, शादी ही नहीं हो तो पत्नी कहाँ की है, बेटी कहाँ, जिससे दोनों पर पड़ गया उसके कैसा संबंध नहीं। और उसके जवाब से मौर्य ने कहा, हार गई और मौर्य के साथ घटोत्कच का विवाह हुआ। मौर्य के साथ घटोत्कच का हुआ, वो भी घटोत्कच वहाँ रहा कुछ दिन और उस मौर्य के साथ जो बच्चा पैदा हुआ वो आज हम जो खडूशा बाबा कहते हैं, जो प्रकट कहते हैं, उसका उसको वो उत्पन्न हुआ। मौर्य ने कहा, तुम भी लेकर प्रकट को बढ़ाया, बहुत ऊंचे स्थान पर लगी। जब वो माता कामा फैलिया इस विशिष्ट साधना को संपन्न करना चाहती थी तो उसने कहा कि मेरे इस संसार में मेरे बेटे को कोई भी हरा कर सके अपने सम्मान के साथ वहां विशिष्ट लग सके, ऐसा वहां मुझे मेरे बेटे को आशीर्वाद दो। माँ की साधना हुई और उस माता की साधना बरगढ़ के हाथों से भी करो। तो बरगढ़ को जो विद्या बना था जो गुरु के रूप में, वो विजय भद्र सेन था, उसका नाम विजय भद्र सेन था, जो यह विशिष्ट कार्य और वक्षस्थल कार्य की साधना को जानता है। वो कहता था कि 11 रुद्र जो अपने कार्य के गले में कुंड माला देखते हैं, वो 11 रुद्र है, 11 मुंड है माता के। रुद्र ही हार गया कहते हैं कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए माँ, तुम्हारे वक्षस्थल पर हमारे स्थान दो, हम तुम्हारे माला रूप रहते हैं। 11 रुद्र वक्षस्थल के ऊपर मुंड माला के रूप में, मुंड के रूप में कार्य के साथ रहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि माँ तुम जैसे 11 रुद्रों को पहने हुए अपने माला को किसी पिता के साथ देखते हो, रुद्र ही तुम्हारे पास एक रुद्र तुम्हारे पांव के नीचे बैठे हुए शिवलिंग और रुद्र की मुंड माला पहने हुए, ऐसी श्रेष्ठता तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, तुम हर एक चीज को साधना कर सकती हो। ऐसी साधना वीर से ने मौर्य को उपाय विडंबना ने वो साधना की, उसके बाद बरगढ़ की वो साधना संपन्न की। बरगढ़ कितना सिद्ध था अभी आपको जैसे मैंने इससे पहले बताया, तो लक्ष्य से भी साधना जानता था, वो लक्ष्य करें किसको मारना है तो कितनी दूर भी फिर है उस लक्ष्य को साधना था, उसको मार देता था और आपको अपनी को जो चाहिए उस लक्ष्य को प्राप्त करता था। वही ऐसी साधना ये विशिष्ट वशिष्ठ काली साधना बताया जो मुद्रमाला साधना है। हर रुद्र हर एक युग में एक एक रुद्र आता है और अपना सर करने के बाद
कभी कई मोक्ष नहीं जाता है, कई घना नहीं जाता, वो काली माता को मंद माला बना जाता है, वो काल ज्ञान को प्राप्त करने वाला रुद्र जो महाकाल कहा गया है, जो महाकाल की सिद्धता करिए उस महाकाल को विशेष करके साधना। जब मौर्य को पहली बार पुत्र हुआ और वो बलबली को लेकर उस वक्षस्थल काली के पास गई और कहा कि माँ ये तो मेरी गुरु से सीखा जाएगा, मैं इसको विद्या सत्य शक्ति ज्ञान जिस तरह से तुम्हारा रुद्र माला में पहना हुआ कुंड से है इसका भी कुंड उतना ही रुद्र वाला से और हिसाब के बाद उसको प्रदान करो और तुम्हारा दूध इसको दो। माता ने उसको आशीर्वाद दिया, इसका मुंड जैसे रुद्रों की तरह इसका किया गया, उसको आशीर्वाद दिया गया बलबली और वो साधना उसके साथ संपन्न हो गया। जब एक बार सभी लोग बैठे बैठे खड़ो आने वाले थे तो कहा कि माँ इस संसार में ये बताओ मैंने तो सारे क्या सीखे, सबसे श्रेष्ठ न्यायवान विद्यावान धैर्यवान बलवान और श्रेष्ठ सबसे कौन है? तो उसने कहा बेटा इस संसार में अभी एक ही व्यक्ति फिर और वो है श्री कृष्ण। तो कहते हैं कि मैं यहाँ श्री कृष्ण से श्री कृष्ण भगवान से मैं साधना संपन्न करूँ, मैं श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। और उन्हें ऐसा ही दर्शन करते हुए अपना स्मरण किया, पांच मिनट में कृष्ण के सामने उपस्थित थे। मौर्य देखकर प्रभु मैंने आपका आपको अभी उन्हें याद किया और आप हमारे सामने और बलबली कृष्ण के सामने हाथ जोड़ कर खड़ा रहा। वो बोला मुझे किसने याद किया, तुम जब भी याद करते हो मैं आता हूँ, क्योंकि कृष्ण को युद्ध का उपयोग करना था प्रभु आप मेरे दास हो और आपको पौत्र के नाते में सब कुछ आपके साथ पूछ सकता हूँ, मुझे आप गुरु दीक्षाओं में आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा तुम गुरु तो बनना चाहते हो लेकिन देख बेटा दास और पौत्र का रिश्ता अलग संबंध अलग है और गुरु और शिष्य का संबंध अलग है। गुरु और शिष्य का संबंध के लिए गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है और मुझे यह याद है मैं गुरु दक्षिणा के रूप में क्या पूछूं, मैं तुझे ज्ञान दूंगा सारी शक्ति दूंगा सब कुछ दूंगा लेकिन गुरु दक्षिणा के रूप में मैं जो भी पूछूंगा तुझे मुझे देना। उसने वचन दे दिया कि जिस दिन आप मुझे पूछोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। आज भी हम सब लोगों को देखते हैं आज के ये गुरु आप देखते हो तो दक्षिणा के रूप में केवल पैसा मांगेंगे या तो कुछ मांगेंगे लेकिन आप पहले गुरुओं को अपने द्रोणाचार्य पूरा एक एक से पैसा नहीं मांगा उसका अंगूठा मांगा। शादी परिवार ने पैसा नहीं मांगा कृष्ण से उनको बच्चा मांगा। ये सब आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए उस समय जो कल्याण जो कार्य करके मांगा जाता था वो सिद्ध करता है। दक्षिणा के रूप में गुरु अगर पैसा मांगता है तो सच्ची बात तो यह है गुरु कहलाने के लायक ही नहीं है, उसको पैसा कमाने का ज्ञान है शिष्यों को बढ़ता है तो गुरु मांगा। दक्षिणा के रूप में ऐसे लोग कल्याणार्थ कुछ बात मांगे जिसके साथ वो श्रेष्ठता के साथ करे। आप जितने ऋषियों को भी पहले से देखो कहीं उन्होंने अगर हवन के लिए करना रहा तो वो राजा के पास जाते थे और सामग्री मांगते थे कि हवन के लिए जो चाहिए पैसा नहीं। दक्षिणा में गए रहते तो गुरुओं को किया जाता था पैसा नहीं। अब यह तो इतना ये दक्षिणा गुरु को मांगना है शिष्य का देना उनको संसार के सर्वश्रेष्ठ बनाए इस श्रेष्ठता को हम प्राप्त करने के लिए जिस विधि से वो लोग आगे गए और कृष्ण ने उनको कहा उनको बलबली को भूल जाएंगी। लेकिन जब कुरुक्षेत्र युद्ध था युद्ध के बारे में सभी को विचार हुआ कि कुरुक्षेत्र युद्ध होने वाला है संसार का सर्वश्रेष्ठ प्रवीण युद्ध कहलाएगा और एक बात की थी कर्ण के पास उन्होंने एक ऐसी विद्या ब्रह्मास्त्र की विद्या छुपा के रखी थी कि यह बाण मैं केवल अर्जुन को मारने के लिए रखा मैं इस बाण से केवल अर्जुन को मारूंगा और वो भी उसको अर्जुन के साथ उस विद्या को उसी को उपयोग नहीं करूंगा। यह बात कृष्ण को पता चली कृष्ण को पता चली कि वो बाण करने में छुपा कर रखा है जो केवल अर्जुन को मार सकता है अर्जुन को मारने के लिए रखा गया। तब कृष्ण ने कहा हे खड़गोदयस मैं तुम्हारे माता भीमसेन के साथ विवाह करना है तुम्हारे लिए यहाँ बनाना है तुम्हारा जन्म उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है अगर तुम मेरी बात मानते हो तो आज तुम्हें कुरुक्षेत्र युद्ध में उसको तहस नहस करना है कर्ण के साथ सभी को मार देना है ये मेरी इच्छा है कि तुम तुम्हारा माया और शरीर धर का सब करो। खड़गोदयस अपने माया और शरीर के साथ पूर्ण उपद्रव मचाना था कौरव सेना युद्ध कर भाग रही थी सभी लोग भाग रहे थे
तब दुर्योधन ने कहा देखो बड़े कैसा युद्ध कर रहा है, कैसा मार रहा है, सब लोग भाग रहे, हमारे तो रहने के उठाव है।